सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी द्वारा पार्टी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश इकाई की समीक्षा बैठक संपन्न। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी द्वारा मोदीनगर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश इकाई की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव तथा पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर अरविंद राजभर ने अतिथि के तौर पर शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया तथा सदस्यता अभियान भी चलाया। उन्होंने केंद्र सरकार की योजना आयुष्मान कार्ड में खामियों को लेकर अपनी नाराजगी जताई और कहा कि हम दो हमारे दो के तहत बने आयुष्मान कार्ड जिसमें सभी को मुफ्त इलाज मिल सके। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ तथा संगठन प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश अशोक अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष युवा मंच पर उत्तर प्रदेश नरेंद्र कश्यप, दयाराम भार्गव राष्ट्रीय सचिव सहित प्रदेश से आए सभी मंडल अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष तथा सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने बताया कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उपचुनाव में नहीं लड़ेगी तथा प्रदेश सरकार के साथ खड़ी है और विधानसभा उपचुनाव में एनडीए का समर्थन करेगी। मंत्री जी, आज मोदीनगर आगमन पर कुछ प्रकाश डालें कि किस विषय में आज आगमन हुआ शहर में। देखिए, मैं लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का संगठन मजबूत करने के लिए हम भ्रमण कर रहे हैं और हमारा हर महीने में लगभग दो बार तीन बार इधर आगमन हो जाता है। पूरे प्रदेश का संगठन हमारे जिम्मे है। इसी कड़ी में हम आज गाजियाबाद के इस मोदीनगर में आए हुए हैं और आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संगठन की समीक्षा भी है, सदस्यता अभियान की समीक्षा है, प्लस जो जेन्युइन समस्याएं हैं, जो ग्रामीण स्तर तक समस्याएं आज भी उसी प्रकार से हैं, उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। तो एक विभागीय मंत्री हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, तो हमने अपने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा है कि अब आपके गांव की या फिर इर्द गिर्द के गांव की जो भी समस्या हो, छोटी बड़ी, उन सारी समस्याओं को लिखित तौर पर लेकर के आइएगा। हम अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाते हैं कि उस समस्या का निस्तारण हम करते हुए पाए जाएंगे। अभी हम लोगों ने लगभग उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से लेकर मध्यांचल तक लगभग 9 रैली हम लोगों ने किया है, जिसमें 2 महिला जागरूकता महारैली थी। अभी 16 तारीख को भी कार्यक्रम है, कल भी कार्यक्रम है, ऐसे करके पूरे नवंबर और पूरे अक्टूबर हमारे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की रैली है। आज हमारे साथ में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ अशोक अग्रवाल जी भी हैं। जब मैं मोदीनगर में आया तो यहाँ व्यापारियों की और किसानों की बड़ी समस्याएं हैं। व्यापारी भी कहते हैं, जबकि पूरा देश की अगर आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो व्यापारी ही उसको निहित करते हैं, व्यापारी ही उसको आगे बढ़ाते हैं और नीचे भी गिराते हैं। लेकिन सबका ध्यान तो सरकार की तरफ है, व्यापारियों की तरफ नहीं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एजेंडे में है कि जिस दिन हम पावर में आएंगे, सबसे पहले व्यापारियों को अवसर देंगे जिससे इस देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सके। आज व्यापारी तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। हम जैसे लोग इनके बीच में आते हैं, इनके बीच में आकर के इनकी छोटी छोटी समस्याओं को सुनते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि उसका निस्तारण किया जाए। अभी मैं आ रहा था तो किसान यूनियन के लोगों ने अपने गन्ना भुगतान को लेकर के लोगों ने हमारे समक्ष अपनी बात को रखा। अब हम लोग सरकार में हैं, सरकार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई उनकी आवाज़ नहीं उठाता है। लेकिन सबको अगर हमसे उम्मीद है कि एक नेता उत्तर प्रदेश का, एक पार्टी उत्तर प्रदेश में, जो चाहे जो भी समस्या हो, कोई उठावे या ना उठावे, उसकी बात कोई रखे या ना रखे, पक्ष कोई रखे या ना रखे, लेकिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, वो चाहे सभा हो, चाहे जनसभा हो, चाहे रैली हो, या फिर कैबिनेट हो, या मुख्यमंत्री के सामने बोलना, चाहे जहां बोलना हो, हम लोग विदाउट हेजिटेशन उनकी बातों को रखते हैं, उनकी समस्याओं को रखते हैं। और सिर्फ समस्याओं को रखते नहीं हैं, उस समस्या का समाधान भी बताते हैं कि कितनी जल्दी आप इस समस्या का निस्तारण कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं तमाम छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के, जैसे अभी शिक्षा में बदलाव को लेकर के हम लोगों ने कहा, हम लोग 27 अक्टूबर 2002 से हम लोग कह रहे हैं कि भाई, जब एक देश है, एक संविधान है और एक नियम और कानून है, तो फिर देश में तमाम तरह के चुनाव क्यों। हम लोगों ने कहा, बहुत पहले से हमारी डिमांड रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन। सरकार ने उस पर सहमति दिया,
और सरकार ने सहमति देते हुए कैबिनेट से पास भी किया और सरकार ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन को हम मंजूरी देते हैं। तो इसके साथ साथ हमारी एक और मांग भी रही है, जैसे जब हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं और जब थोड़ा सा शहरी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे डिफरेंस शिक्षा जगत में मिलती हैं हम लोगों को। हम लोगों का प्रयास ये है जो हमारे पार्टी के एजेंडे में है कि अगर हमारी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को सहमति दे सकती है तो सरकार वन नेशन वन एजुकेशन को भी सहमति दे, एक प्रकार की शिक्षा हो, अमीर और गरीब का बेटा एक साथ पढ़े, एक प्रकार की शिक्षा होगी, एक दिशा में चलेंगे लोग और शिक्षा के साथ साथ रोजगार पर शिक्षा हो जिसपे किसी का ध्यान जाता नहीं है। हर कोई सोचता है कि बच्चा हमारा पढ़े, पढ़ने के बाद कोई जरूरी नहीं कि नौकरी ही प्राप्त हो, लेकिन अगर पढ़ लिख करके ज्ञान उसको अर्जित हो गया, ज्ञान अर्जित कर लिया तो कुछ ऐसी शिक्षा भी हो जिस प्रकार से 9th और 11th में एक सब्जेक्ट लेना अनिवार्य होता है एडिशनल, उसी प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि कक्षा 5 से लेकर के 9 तक कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से MSME में जैसा कि कहा गया है लघु उद्योग को स्थापित करने का, उसी प्रकार से जैसे सरकार ने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करती है तो ये सरकार तय करे कि एक बच्चा एक एजुकेशन तकनीकी शिक्षा लेने का काम करेगा जिससे रोजगार पर शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके और बेरोजगारी दर को कम किया जा सके। तो गाजियाबाद में और कहाँ कहाँ पर आपके कार्यक्रम है? आज तो हमारे लगभग 11-12 कार्यक्रम हैं। आज मैंने सुबह 8 बजे से लेकर के अभी मैं आया हूँ तो अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया हूँ, फिर जहाँ जहाँ शेड्यूल बना था वहाँ वहाँ मुलाकात किया, अभी सतीश भैया के यहाँ मैं आया और हमारे जो पार्टी की विचारधारा को मानने वाले जो लोग ऐसे लोग हैं ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है। अब इसके बाद मैं जाऊंगा अपने कार्यक्रम की पार्टी की समीक्षा लूंगा, उसके बाद भी कार्यक्रम हमारे 4-5 लगे हुए हैं और सबसे मिलते जुलते यहाँ आने वाले समयों में बड़ा आपको उदाहरण देने का काम करेंगे कि यहाँ गरीबों की अगर कोई नहीं सुनता है तो एक मसीहा एक नेता ऐसा आया है जो खुली पंचायत लगाएगा और उसी खुली पंचायत में सबकी समस्या सुन करके उसका समाधान भी करने का काम करेगा। तो इस दौरान सदस्य अभियान भी चलाया जाएगा? सदस्यता अभियान हमारा लगभग 2.5 महीने से लगातार चल रहा है और इस सदस्यता अभियान को आज एक प्रकार से गति भी मैं दूंगा और आज थोड़ा सा सिस्टम बदलने का प्रयास करूंगा कि और बेहतर सदस्यता अभियान कैसे चले, इन सारे मुद्दों को लेकर के आज हम लोग गाजियाबाद में आए। बहुत बहुत धन्यवाद।